वक्त मौजूद हैं एक मॉन्यूमेंटल ब्रिज जो कालाबाग शहर के अंदर मौजूद है। ये ब्रिज 1928 में ये ब्रिज कंप्लीट किया गया था, और उस ज़माने में जो ब्रिटिशर्स थे जब इधर ये जंग हो रही थी उस टाइम पर, तो अपने फौज के सामान को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, अपने समझ लें कि आर्टिलरी को, वेपनरी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने ये रेल ट्रैक्स बनाए थे। आप लोगों को नज़र आ रहे हैं इस ब्रिज पर, और ये यूज़ किया जाता था सामान कालाबाग से इस रेल ट्रैक के थ्रू। ये जो इंडस रिवर है, जिसका बाय द वे इस ब्रिज से एक ज़बरदस्त किस्म का व्यू भी आता है, वो भी अब आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। लेकिन ये रेल ट्रैक्स की मदद से ये सामान जाता था, और ऑल द वे यहाँ से ये KPK तक जो है अपने वेपनरी वगैरह जो है ट्रांसपोर्ट करते थे। और बहरहाल अब जो है ये ब्रिज एक मॉन्यूमेंटल ब्रिज है, अभी भी आज के दौर में भी ये जो ब्रिज है यहाँ पे एक बड़ी अहमियत रखता है हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड साथ ही साथ ये एक आप लोगों को अमेजिंग खूबसूरत व्यू देता है ऑफ द माइटी ग्रेट इंडस रिवर। एंड अभी आप लोगों से शेयर करता हूँ, तो मैं यहाँ चल रहा हूँ, साथ साथ आप लोगों को ये मेरे बिल्कुल ही पीछे खूबसूरत इंडस रिवर का व्यू मिल रहा है। एब्सोल्युटली अमेजिंग। और जो भी इस ब्रिज की एक अहमियत है, एक मॉन्यूमेंटल ये ब्रिज है, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि फ्रॉम अ टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है। जस्ट चेक आउट दिस व्यू। This famous bridge of Kalabagh is definitely one of those hidden gems, जबकि देखने में बिल्कुल भी छोटा नहीं है, लेकिन साथ ही साथ इसकी जो स्टोरी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, डेफिनेटली इट इज़ वन ऑफ द अनटोल्ड स्टोरीज अबाउट दिस कालाबाग। सो आइए एक्सप्लोर करते हैं इसी तरह की और हिडन जेम्स को और उनकी अनटोल्ड स्टोरीज को। इस वक्त मैं तकरीबन जो ये ब्रिज है उसके समझ ले के सेंटर पॉइंट पे खड़ा हूँ, और यहाँ पे एक छोटा सा टेरेस टाइप सा पॉइंट है। फ्रॉम टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ से खड़े होकर आप एक अमेजिंग व्यू ले सकते हैं। एंड यही जिसकी मैं बात कर रहा था कि कालाबाग इज़ ऑल्सो नोन फॉर इट्स अमेजिंग सीनिक व्यू। इस तरह के और बहुत से पॉइंट्स हैं कालाबाग के अंदर जहाँ पे आपको अमेजिंग व्यू मिल सकता है, बट दिस ब्रिज पर्टिकुलरली इज वन ऑफ दोज पॉइंट्स जहाँ पे आपको एक अमेजिंग खूबसूरत व्यू मिलता है, प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट एज वेल। अगर आप लोग कालाबाग आएँ तो डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट एंड रिकमेंड कि आप लोग इस ब्रिज को ज़रूर विजिट करें, एंड यहाँ पर खड़े होकर यू कैन हैव एन अमेजिंग व्यू ऑफ दिस माइटी द ग्रेट इंडस रिवर। Definitely a great spot to have pictures with your friends and family. अच्छा, ये जो इंग्रेविंग इधर हुई हुई है इस वक्त, जो डेट है, दिस कन्फर्म्स कि ये 1928 के अंदर जो है ब्रिज कंप्लीट किया गया था। और साथ ही साथ इधर जो इसके अंदर जो कंसल्टिंग इंजीनियर्स थे और जो साथ कंस्ट्रक्टिंग पार्टीज थी, उनके नाम भी इधर लिखे गए हैं। आप लोग देख सकते हैं कि फॉर अ सेफ वॉकिंग पैसेज यहाँ पे एक साइड पे एक अलग से जगह बनाई हुई है, जिसको सेपरेट किया गया है इस बैरियर से, और जो व्हीकल्स हैं वो अलग साइड पे यहाँ पे गुजरते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। सो डेफिनेटली वंस अगेन फ्रॉम अ टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू ईजीली एक सेफ पैसेज बनाया गया है फॉर टूरिस्ट जो वॉक करना चाह रहे हैं, जो इस जगह को गाड़ियों पर चलते चलते व्यू देना चाहते हैं, वो साइड पर जिस तरह ट्रैफिक का फ्लो है उसके साथ साथ यहाँ का नज़ारा ले सकते हैं। बट आई सजेस्ट कि पार्क योर कार समवेयर
इस ब्रिज के ऊपर ऑन फुट आएँ, ये जो सेफ वॉकिंग पैसेज है यहाँ तक आएँ, और साथ ही अमेजिंग व्यू लें, इंजॉय करें ऑफ द ग्रेट इंडस रिवर। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो कालाबाग शहर है वो मशहूर है जो इसकी रेड हिली सॉल्ट माउंटेन रेंजेस हैं, और साथ ही साथ ये जो खूबसूरत व्यू मिलता है आपको यहाँ पे इंडस रिवर का। तो मेरी दूसरी तरफ अगर आप लोग देख सकें तो आप लोगों को डेफिनेटली जो सॉल्ट माइन रेंजेस हैं वो नज़र आएंगी, और उनको हम किस तरह डिफ्रेंशिएट करते हैं, उनमें एक पिंकिश या गुलाबी रंग का समझ लें एक टेक्सचर होता है उन हिल्स के ऊपर, जिनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सॉल्ट रेंजेस हैं, और साथ ही साथ उनका भी आपको व्यू इसी ब्रिज से मिल सकता है। सो ये कह सकते हैं कि ये जो ब्रिज है ये समराइज़ करता है कालाबाग की खूबसूरती को, और जो उसकी हेरिटेज है वो इर्द गिर्द ही इस ब्रिज के आपको नज़र आ जाती है। हम इस वक्त माड़ी गांव के अंदर मौजूद हैं। मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों को बोट्स नज़र आ रही होंगी, दरिया है, और दरिया पार करके एक और गांव है जो कि कालाबाग की आउटस्कर्ट्स के अंदर आता है। उस गांव का नाम है कुकड़ावाला गांव। माड़ी गांव से कुकड़ावाला जाने के लिए कोई रोड नहीं है, तो यहाँ पर जो भी लोग हैं काम के सिलसिले में या किसी और सिलसिले में जो ट्रैवल करते हैं थ्रू एंड थ्रू माड़ी से कुकड़ावाला या कुकड़ावाला से माड़ी, वो ये बोट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए हम एक्सपीरियंस करते हैं इस छोटे से एडवेंचर को, और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं एक्सपीरियंस ऑन बोट माड़ी गांव से कुकड़ावाला का। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे लोग जो हैं एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए बोट का इस्तेमाल करते हैं। ये कुकड़ावाला गांव है, यहाँ पे जाने के लिए और कोई रोड नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, तो हम भी इसी वक्त उसी बोट के ऊपर सवार हैं जिस पे आम जो लोग हैं यहाँ पे आने जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं इस बोट को। और ये इस वक्त माइटी इंडस रिवर, एंड उसके साथ ये जो आपको रेंजेस नज़र आ रही हैं ख़ासतौर पर इस साइड पर, ये सारी सॉल्ट रेंजेस हैं जो कालाबाग वाले एरिया में मौजूद हैं। और ये यहाँ पर हमारे साथ जो हैं लोग हैं जो कुकड़ावाला गांव और माड़ी गांव में उनका आना जाना होता है जिस भी सिलसिले से ये लोग गुजरते हैं। इतना ज़्यादा फासला नहीं है तय करने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को दिखाया कि जब हम लोग माड़ी गांव में खड़े थे तो वहाँ से आपको इजीली नज़र आ रहा था कि जिस तरफ हमने जाना है, बट ये दरियाई है, ये रिवर जो है
इंडस रिवर जो है इसी को क्रॉस करके ही हम यहाँ पहुँच सकते हैं। फासला इतना नहीं है लेकिन रास्ता यही है यहाँ तक पहुँच। हम बोट का सफ़र तय करते हुए माड़ी गांव से कुकड़ावाला गांव में पहुंच चुके हैं। यहां कहा जाता है कि इस इलाके में जो आबादी है वो ज़्यादातर उन्हीं लोगों की है जो इधर कालाबाग की आउटस्कर्ट्स में सॉल्ट माइंस हैं उनमें काम करते हैं। तो आइए इस गांव को एक्सप्लोर करते हैं और एक्सप्लोर करते करते अपना सफ़र तय करते हैं टूवर्ड्स द सॉल्ट माइंस। ये जो पत्थर के स्लैब्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं इसको करगरी कहा जाता है। ये नहीं जो सॉल्ट रेंजेस के ऊपर ये जो साइड पे पहाड़ हैं उन्हीं से ये तोड़ कर नीचे लाई जाती है और ये समझ लें कि पुराने ज़माने की स्लैब्स हैं जो कि कब्रों के ऊपर इस्तेमाल की जाती हैं। ये जो ब्रीड है आपको नज़र आ रही है इनको कहा जाता है लाशा। लाशा जो है ये गधे और खच्चर की क्रॉस ब्रीड है। इनकी खासियत कह सकते हैं कि ये है कि ये जो सॉल्ट माइन की जो गहराई होती है जितनी भी 400-500 फुट नीचे जहाँ पे काम हो रहा होता है वहाँ पे ये वर्कर्स के साथ जाते हैं और वहीं से फिर सारा जो सामान है वो इनके ऊपर डाला जाता है और वो सामान लेके ये पायर वापस आते हैं।